लिपि की एक समृद्ध एवं विकासशील परंपरा रही है। लिपियों का विकासात्मक एवं समस्यामूलक अध्ययन करने वाला शास्त्र ही लिपि विज्ञान कहा जाता है। भाषा और लिपि में क्या संबंध है या क्या अंतर है, यह भी एक चर्चा का विषय है। आज हम एमए फाइनल हिंदी के अंतर्गत लिपि पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, सहाचार्य राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। देखिए, सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे लिपि की उपयोगिता पर। भाषा का संबंध ध्वनियों से है। ध्वन्यात्मक भाषा वक्ता के मुख से निकलकर श्रोता के कान तक पहुंचकर अपना प्रभाव प्रकट करती है। भाषा का यह वाचिक स्वरूप वक्ता के मुख से निकलने के बाद या कुछ क्षण के बाद ही नष्ट हो जाता है। मानव की यह प्रवृत्ति है कि वह अपने कार्यों और विचारों को स्थायित्व प्रदान करना चाहता है। वह अपने विचारों को आगे की पीढ़ी तक पहुंचा सके, ऐसे साधनों की खोज में लिपि को जन्म दिया। भाषा और लिपि का संबंध है, दोनों में क्या समानताएं हैं? नंबर एक, भाषा सूक्ष्म होती है, लिपि स्थूल होती है। भाषा की ध्वनियों में अस्थायित्व है और लिपि में अपेक्षा करते स्थायित्व है। नंबर तीन, भाषा में सुर, तान आदि के आधार द्वारा बहुत कुछ मनोभावों को व्यक्त किया जा सकता है, लिपि में नहीं। भाषा श्रव्य साधन है, लिपि दृश्य एवं पाठ्य। भाषा सीधे प्रभावकारी है, लिपि विलंब से। दोनों में क्या समानताएं हैं? नंबर एक, दोनों मानव की भावाभिव्यक्ति के साधन हैं। दोनों से अपूर्ण भावाभिव्यक्ति होती है, पूर्ण दोनों ही भावाभिव्यक्ति करने में सक्षम नहीं है। दोनों देश काल आदि भेद से भिन्न हैं। दोनों सांस्कृतिक उन्नति के प्रतीक हैं। दोनों का ज्ञान शिक्षण से प्राप्त होता है। लिपि की उत्पत्ति, लिपि की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, यह विषय भाषा विज्ञान जितना ही विवादास्पद विषय रहा है। प्रारंभ में जिन वस्तुओं पर लिपियां लिखी गई वो काल कवलित हो चुकी, अतः अनुमान का आश्रय ही लेना पड़ता है। पाषाण स्तंभ, ताम्र आदि पर लिखी कुछ चीजें 6,000 वर्ष तक का ही इतिहास बताती हैं। इनमें भी एक रूपता का अभाव मिलता है। लिपि का विकास क्रम चित्रलिपि, भावलिपि, ध्वनि लिपि के सोपानों से आगे बढ़ा है। लिपि के विकास क्रम में हमें निम्नलिपि मिलती हैं: चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि, भावध्वनि मूलक लिपि और ध्वनि मूलक लिपि। नंबर एक, चित्रलिपि। यह लिपि लेखन की पहली सीढ़ी है। जिस वस्तु का जिक्र उसका चित्र बना देते हैं, आदमी, स्त्री, आंख इत्यादि के लिए छोटा चित्र बना देते थे। ये चित्र पत्थर, हड्डी
हाथी दांत, सींग, छाल, मिट्टी आदि के ऊपर बनाए जाते थे। ऐसे प्राचीन चित्र फ्रांस, स्पेन, यूनान, मिस्र आदि में मिले हैं। इस लिपि से वस्तु का तुरंत बोध तो हो जाता है। बोध में अनावश्यक कोई बोझ नहीं था, अर्थात शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती थी। मगर व्यक्तिवाचक संज्ञा, अमूर्त भावों का चित्र बनाना ये असाध्य था। स्थान, समय आदि की आवश्यकता अधिक होती थी, साथ ही श्रम साध्य काम भी था। नंबर 2, सूत्र लिपि। इसका इतिहास भी कम पुराना नहीं रहा। प्राचीन काल से आज तक किसी न किसी रूप में ये प्रचलित रही है। याददाश्त के लिए, स्मरण के लिए रुमाल आदि में गांठ लगा देते हैं। सूत्र, रस्सी, छाल आदि में उस समय लोग गांठ लगाते थे। नंबर 3, प्रतीकात्मक लिपि। यह है शुद्ध रूप में लिपि नहीं, मगर इस रूप में आंख के सहारे दूरस्थ व्यक्ति के विचार भी उनके द्वारा भेजी गई वस्तुओं के द्वारा जाने जा सकते हैं। इस रूप में इसे लिपि स्वीकार की जा सकती है। गार्ड का लाल या हरी झंडी दिखलाना, युद्ध में सफेद झंडा, स्काउटों के हाथ, बातचीत, निमंत्रण आदि में, शुभ कार्यों में हल्दी, सुपारी, हरी धूप इत्यादि। मगर यह रूप भी व्यापक नहीं बन सका। इसका प्रयोग भी सीमित क्षेत्रों में रहा। अगली लिपि भावमूलक लिपि। चित्रलिपि का ही विकसित रूप है। चित्रलिपि अधिक श्रम साध्य, अतः लघुतर उपाय सोचने की प्रक्रिया स्वरूप भावलिपि का प्रादुर्भाव हुआ। रोने के लिए आँख का चित्र और उसमें भी आंसू टपकती बूंदी दिखा देना, ये भाव का काम कर देता है चित्र। यह लिपि चित्राभास लिपि हुई। इस लिपि में भी पूर्ववत दोष बने रहे। किस चित्र से क्या भाव लिए जाएंगे, उनमें समरूपता नहीं थी। अगली लिपि भाव ध्वनि मूलक लिपि। चित्रलिपि का ही विकसित रूप ध्वनि मूलक लिपि है। यह भाव एवं ध्वनि लिपि का समन्वित रूप है। ध्वनि मूलक लिपि यह लिपि के विकास का तृतीय चरण है। यह मानव की लिपि संबंधी सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि थी। चित्रलिपि तथा भावमूलक लिपि में चिन्ह किसी वस्तु या भाव को प्रकट करते हैं। उनमें उसके वस्तु या भाव से कोई संबंध नहीं होता। ध्वनि मूलक लिपि के दो भेद हैं, एक आक्षरिक, दूसरी वर्णिक। अक्षरात्मक में चिन्ह किसी अक्षर को व्यक्त करता है, वर्ण को नहीं। वर्णात्मक में चिन्ह वर्ण को व्यक्त करता है, इसमें
देवनागरी को अक्षरात्मक में तथा रोमन को वर्णात्मक लिपि में रखा गया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।